कोने कोने में फैलने लगा। ईरान में मुतासर अफराद की तादाद 43 हो गई। 8 जां बहक। पाकिस्तान पर शदीद खतरा मंडलाने लगा। हिफाजती इकदामात, पाक ईरान सरहद बंद कर दी। जायरीन के ईरान जाने पर भी पाबंदी आयद। खसूसी चेक पोस्टें भी कायम। हमारी गलतियों की वजह से आटा, चीनी, चावल महंगा होता है। वजीर आजम इमरान खान का मियांवाली में खिताब। कहा आईजी पंजाब को कह दिया है बड़े डाकू पकड़ें, छोटे खुद डर जाएंगे। अवाम को रोजगार देना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान ने निमल यूनिवर्सिटी में भी खिताब किया। मकसद हासिल करने के लिए कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाया। करोड़ों को बेरोजगार कर दिया, अपना घर बचा लिया। लाखों घर गिरा दिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमती फैसले मईशत के गले का फंदा बन गए हैं। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इकदामात, मगर अवाम बदस्तूर तकलीफ में। अशियाए खुरनोश की कीमतें ताहाल कम ना हो सकी। महंगाई के खिलाफ जगह जगह रैली। अवाम का ग्रां फरोशों पर कारी जर्ब लगाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर किरदार अदा किया। दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने में भी अहम किरदार है। आर्मी चीफ की मराकश में अस्करी क्यादत से मुलाकात। सिक्योरिटी तआवुन, मुश्तरका तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी में तआवुन पर इत्तेफाक। भाई आ रहा है, तैयार हो? भाई आ रहा है, तैयार हो। गुलुकार अली जफर ने वीडियो शेयर कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा था कोई भी मसला हो भाई हाजिर है। PSL 5 के लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान अहम मैच के लिए शायकीन के कज़ाफी स्टेडियम में आमद का सिलसिला जारी है। लाहौरी काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ अकील अहमद ने क्रिकेट लवर से बातचीत की है, उनसे जानते हैं शहरियों का क्या कहना है। जी अकील अहमद, PSL 5 में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद टकराने जा रहे हैं, इस हवाले से शायकीन की आमद कज़ाफी स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। उनसे बातचीत करते हैं कि आज वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी कहां से आए हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इंग्लैंड से आए हैं। ये हमारी 21 लोगों की एक पूरी फैमिली है, जिसमें कनाडा से और नॉर्वे से भी लोगों को हमने इन्वाइट किया है और हम PSL के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। आपकी तो सुना शादी हुई है, आप आज किसको सपोर्ट करने आई हैं? कल ही हमारी शादी हुई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही हूँ और आई होप कि वो आज विन करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे दूल्हा भाई, लाहौर कलंदर या इस्लामाबाद? मैं लाहौरी हूँ तो मैं लाहौर कलंदर को याद सपोर्ट करूँगा, लेकिन आई होप दैट क्रिकेट विंस टुडे। जी आपने शायकीन की गुफ्तगू सुनी, वो काफ़ी पुरजोश हैं और वो कह रहे हैं कि आज लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे और उनकी सपोर्ट से लाहौर कलंदर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चे शहजर रेहान की ख्वाहिश पूरी हो गई। कज़ाफी स्टेडियम में शहजर के इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच मिसबाउल हक और कोलन मिनरो और बूम बूम शाहिद आफरीदी से मुलाकात। उन्होंने शहजर को अपनी टीम की शर्ट्स का तोहफा दिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पेशावर ज़िले के कप्तान डैरेन सैमी कहते हैं कि पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड मिलना बड़े एजाज़ की बात है। ट्वीट में लिखा, 2017 में छोटा सा कदम उठाया था, आज देखें हम कहां खड़े हैं। PSL की कामयाबी में हर गैर मुल्की खिलाड़ी ने अपना किरदार अदा किया। भाई आ रहा है, तैयार रहो। गुलकार अली जफर ने ट्विटर पर एक बार फिर ज़बरदस्त वीडियो शेयर कर दी। भाई आ रहा है, तैयार हो? ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने शानदार म्यूजिक के साथ वीडियो का आगाज किया और फिर कहा भाई आ रहा है, तैयार हो। अली जफर ने इससे कबल अली अजमत की जानिब से इल्जामात पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि कोई भी मसला हो भाई है ना।